हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी, हिस्ट्री क्विज 6 फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा हिस्ट्री क्विज 6। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में तिजारत करने का परवाना किससे और कब मिल लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में तिजारत करने का परवाना जो है मुगल शहंशाह जहांगीर से 1608 में लिया। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि उन्होंने लंदन की जो मलिका थी उससे 1600 ईस्वी में परवाना लिया था भारत में तिजारत करने का, लेकिन अब ये भारत के बादशाह से लिया था इन्होंने 1608 में। प्लासी की जंग कब हुई? प्लासी की जंग 1757 में हुई। बक्सर की लड़ाई कब हुई? बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऊपर के जो सब आ रहे हैं इस वीडियो में। पेशवा बाजीराव दुवम को अंग्रेजों ने कब शिकस्त दी? पेशवा बाजीराव दुवम को अंग्रेजों ने 1818 में शिकस्त दी। हिंदुस्तान के बादशाह की हैसियत से भारतीय फौजों ने किसको तख्त पर बैठाया? हिंदुस्तान की बादशाह की हैसियत से सारी भारतीय फौजों ने बहादुर शाह जफर को तख्त पर बैठाया। अठारह को कौमी शोरिश के बाद भारत में किसके इकतदार का खात्मा हुआ? यानी कौमी शोरिश जो लड़ाई छिड़ गई थी 1857 में, जिसके हेड थे बहादुर शाह जफर, तो उसमें किसका खात्मा हुआ? तो वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हुआ। 1857 की कौमी शोरिश की रहनुमाई करने की वजह से किसे फांसी दी गई? जो इसकी रहनुमाई कर रही थी अंग्रेज़ों ने बाद में उनको सजाएं दी, तो उनमें फांसी दी गई जिन्हें, वो है तात्या टोपे को, तात्या टोपे। 1857 की कौमी शोरिश के बाद पेशवा नाना साहब और बेगम हज़रत महल ने कहाँ पना ली? तो पेशवा नाना साहब और बेगम हज़रत महल ने नेपाल में पना ली। अंग्रेज़ों की आमद से पहले भारत किन सनतों में आगे था? यानी जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में नहीं आए थे उस वक्त भारत कौन सी सनतों में आगे था? वो था कपड़े की सनत और दस्तकारी, ये डिज़ाइन वगैरह बनाना पत्थरों के ऊपर, टाइल्स के ऊपर, कपड़ों पर, इसमें हम आगे थे। महात्मा फुले ने हुकूमत से क्या मुतालबा किया? महात्मा फुले ने हुकूमत से प्राइमरी तालीम मुफ्त लाजमी कराए, ये मुतालबा किया। अंग्रेज़ हुकूमत ने कौन से सन में सती रस्म को कानूनन ममनू करार दिया? तो अंग्रेज़ हुकूमत ने ये सती की जो रस्म थी, यानी अगर किसी का शोहर मर जाए तो उसी शोहर के साथ उसकी बीवी को भी जला दिया जाता था, इसको सती की रस्म कहते थे। तो ये इसका खात्मा अंग्रेज़ों ने 1829 में किया। पंडितायन रमाबाई ने कौन सा इदारा कायम किया? पंडितायन रमाबाई ने शारदा सदन इदारा कायम किया। महात्मा फुले ने कौन सा इदारा कायम किया? तो महात्मा फुले ने सत्य शोधन समाज, ये इदारा इन्होंने कायम किया। सर सैयद अहमद खान ने मगरबी तालीम देने के लिए स्कूल कहाँ कायम किया? तो सर सैयद अहमद खान ने जो स्कूल कायम किया वो है अलीगढ़ में। महाराष्ट्र में किसने लाइब्रेरी या कायम करने की तहरीक शुरू की? तो महाराष्ट्र में जिन्होंने लाइब्रेरी या तामीर की जाए ये तहरीक शुरू की वो है
गोपाल हरी देशमुख, इन्होंने ये काम किया। ये किसका ख्याल था कि औरतों को मर्द की तरह ही तालीम हासिल करने का हक है? ये ख्याल था ताराबाई शिंदे का। तो व्यूअर्स, ये था हमारा क्वेश्चंस सेट 6। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर अकाउंट दूसरा है ग्रीन स्टडी का स्पेशल, आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल आप देख सकते हैं या इसको आप सब्सक्राइब करें, ग्रीन आर्ट पॉइंट। इसमें आपको सारे क्राफ्ट और आर्ट के वीडियोज़ मिलेंगे। दूसरा है ग्रीन स्टडी इंग्लिश, इसमें आपको ऐसे ही वीडियो जैसे आप ग्रीन स्टडी पर देखते हैं ये, लेकिन इंग्लिश में रहेंगे। उर्दू टीचर, इस पर आपको उर्दू सीखना है, उर्दू ग्रामर और उर्दू के गीत वगैरह, और साथ में उर्दू कैलीग्राफी, खत्ताती, इसके लेसन्स आपको इसमें मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे वीडियोस को, अगर आपके कोई ब्लॉग है, वेबसाइट है, तो आप इस वीडियोस को लिंक करें उस पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप ज़रूर मुझे सजेशन दीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।